बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं होम फ्रेश फूड कुकिंग चैनल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है, मुर्ग चने की रेसिपी। जो आप बाहर से परचेज़ करके खाते हैं, सेम वही टेस्ट आप घर में बना सकते हैं। तो मैं आपको सेम वही रेसिपी बनाना सिखाऊँगी, तो बिना स्किप किए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने ले लिए थे, इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। सुबह अब मैंने इसको बॉईल कर लिया, एक चम्मच नमक का डाल के। लहसुन एक लिया था, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके छिलकों के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया। इसको इसका हम पानी यूज़ करेंगे। अदरक लिया था मैंने तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, इनको ग्राइंड कर लिया है। यही लहसुन का पानी मैंने छान के थोड़ा ऐड किया था इसके अंदर। यहाँ पे एक अदद नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसके स्लाइस कर लिए हैं। 300 ग्राम चिकन जाएगा इसके अंदर, सिर्फ टेस्ट के लिए इसको यूज़ करेंगे। पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसके अंदर दड़ा मिर्च का कुटी हुई। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे मैंने घी डाल दिया, तकरीबन 1.5 पाव के करीब इसके अंदर घी ऐड होगा, क्योंकि ये चने आपको पता है मुर्ग लाहौरी चने हम रेडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर तेल की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि इसकी लुक और खाने में टेस्ट आए इसका। घी गर्म हो जाएगा, इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे हम। प्याज को अच्छा खासा आपने ब्राउन करना है, सुनहरा करना है अच्छे से आपने इसको। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही डार्क ब्राउन हो जाएगा, हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से सारा लहसुन का पानी अच्छे तरीके से छान लेंगे, साइड पे रख लेंगे। मैंने अच्छे तरीके से लहसुन को वॉश किया था, आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन इसका पानी निकला है। आपने इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, फिर इसके अंदर लहसुन का पानी और जो हमने अदरक और सब्ज़ मिर्चें की थी ग्राइंड, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस मुर्ग चने तैयार होंगे। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको अच्छे तरीके से आपने मसाले को कुक करना है ताकि ये जो प्याज आपको नज़र आ रहा है, ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश होना चाहिए। इतना आपने इसको फ्राई करना है मसाले को, ढककर पका लेंगे इसको। तो ये देखें माशाल्लाह से 10 मिनट हो गए इसको ढककर कुक किया है मैंने। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह प्याज हमारा मिक्स हो जाएगा। अब बाकी के मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। हल्दी और कुटी हुई मिर्च जाएगी सिर्फ इसके अंदर। ये गरम मसाला, पिसा धनिया और काली मिर्च हम एक कटोरी में ऐड करके इसको मिक्स करके साइड पे कर लेंगे, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कुटी हुई मिर्च और हल्दी पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाले की अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। सारा टेस्ट और सारा फ्लेवर आपको पता है मसाले की भुनाई से निकलता है, आपने इसलिए इस जो स्टेप को है अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आपको पता है बच्चों का बहुत ही फेवरेट नाश्ता है ये, संडे का नाश्ता होता है। आपको पता है बच्चे बहुत ही खुशी खुशी इसको खाते हैं। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालकर इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, चिकन गलने देंगे अच्छे तरीके से। चिकन डालने से फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त चनों का हो जाता है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मुर्ग चने तैयार होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चिकन की भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 कप के करीब। अब इसको ढककर पका लेंगे 10 मिनट के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है चिकन का। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। एक दफ़ा फिर से मसाला में आपको चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है हमारी। सारा टेक्सचर और सारा टेस्ट आपको पता है भुनाई से निकलेगा। अब यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें और जो चने बॉयल किए थे वो ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें डाल के हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद साथ ही हम चने ऐड कर देंगे इसके अंदर। अगर आप सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह याद करेंगे कि कोई चीज़ सिखाई थी। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस चने तैयार होंगे। तो यहाँ पे हम चने ऐड कर देंगे जो बॉयल किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर इसके चनों का पानी पहले से मौजूद था, लेकिन इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी का और ऐड करूँगी ताकि इसको हमने दम पर रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसलिए इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। लुक देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आई है। आधा गिलास पानी का और ऐड कर देंगे। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देख सकते हैं आप, आधा घंटा हो चुका है माशाल्लाह से, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। जैसे ही इसका आप चूल्हा बंद करेंगे थोड़ी देर में इसका जो ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये बाकी के मसाले जो हमने किए थे मिक्स वो डाल देंगे। सूखा धनिया, काली मिर्च और गर्म मसाला ऐड कर देंगे। अब इसको हिलाकर तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसका ढक्कन ऊपर रख देना ताकि इसका जो ऑयल है सारा ऊपर आ जाए, अच्छे तरीके से इसकी लुक निकल आए। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।